खबरें आई है फिल्मी दुनिया से लेकर लोकसभा चुनावी सफर को तय करने वाले नए दमदार एक्टर सनी देओल के गुरदासपुर में जनता को प्रभावित करने को लेकर। वो तो यही कह रही है कि मुंबई वापस नहीं लौटने वाले हैं सनी, लेकिन अपनी ही बातों पर झूठे साबित हो रहे हैं सनी देओल। जी हाँ, सनी देओल अब जनता को धोखा दे रहे हैं या फिर सनी देओल के साथ ही धोखा हो रहा है। जनता पूरी तरह से उलझ गई है क्योंकि सनी देओल जिन्होंने गुरदासपुर की जनता की सेवा करने का फैसला लिया, लोकसभा से जुड़कर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत के लिए, भाजपा की जीत के लिए भाजपा से जुड़ गए। वो सनी देओल जो कि अपनी ही माँ प्रकाश कौर के सामने उनके होते हुए भी अपनी सगी माँ को छोड़ सौतेली माँ हेमा के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन गए हैं। वो सनी देओल आखिर कैसे भला मुंबई न लौटने की बातें कहने के बावजूद मुंबई नगरी यानी कि फिल्मी दुनिया से जुड़ गए। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के हमारे इस खास वायरल प्रोग्राम में हम करेंगे बात सनी देओल के फिल्मी सफर के एक नए राह पर चलने की बात हो रही है। सनी देओल एक बार फिर से अपने फिल्मी सफर की नई शुरुआत करेंगे, एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर दरअसल एक नहीं बल्कि दो दो नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ये खबरें आ रही हैं। खबर है कि गदर और गदर 2 की जो बातें लंबे समय से चल रही थी, पिछले 10 साल से गदर 2 को लेकर काम चल रहा था। ये कहना था फिल्म से जुड़े एक कलाकार का, तो ऐसे में गदर 2 अब बनना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ राजनीति बनता जा रहा है। दरअसल हम आपको याद दिलाना चाहेंगे वो वक्त जब कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्ष दलों ने ये कह दिया था कि सनी देओल की किसी भी फिल्म को फिलहाल ब्रॉडकास्ट पर दिखाना, टीवी पे दिखाना जनता को भटकाने जैसा है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सीने अंदाज की वजह से, फिल्मी अंदाज की वजह से जो जनता है वो भटक रही है। जनता को कहीं ना कहीं उनकी आंखों में धूल झोंककर राजनीति खेल खेलने जैसा है सनी देओल का फिल्मों में आना बार बार। ऐसे में इस तरह की बातें सामने आने के बावजूद, उनकी फिल्म ना दिखाई जाए ऐसी मांग सामने आने के बावजूद, जब सनी देओल अगर गदर 2 और अपनी फिल्म अपने के दूसरे सिक्वल में काम करने को तैयार होते हैं तो जनता की आंखों में धूल झोंकने से ये बात कम नहीं होगा। जी हाँ, सनी देओल का खुद का ये बयान है कि वो मुंबई नहीं लौटना चाहते हैं, फिलहाल उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है गुरदासपुर की सेवा, वहां की जनता की सेवा। ऐसे में मुंबई नगरी से जुड़कर, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़कर फिल्मों सफर की शुरुआत कर भला कैसे दो दो नाव पर चढ़कर सनी देओल एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये सवाल तमाम तरह से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर है गदर 2 को लेकर, गदर एक प्रेम कथा फिल्म के दूसरे सीक्वल को लेकर कहा जा रहा है सनी देओल से हो रही है बात इस फिल्म को बनाने के लेकर। इस बार फुल फॉर्म में है मेकर गौरव अनिल शर्मा ने इस फिल्म को 2001 में लाने के बाद ऐसी तारीफ लूटी कि ये फिल्म जो है उस वक्त की करोड़ों की कमाई करने वाली सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। भारत देश के बड़े बड़े फिल्मों में तीसरी ये फिल्म ऐसी थी जिसे करोड़ों लोगों ने देखा था। ऐसे में सनी देओल का फिर से गदर 2 में आना, यानी कि सनी के प्रशंसकों की तादाद में बढ़ोतरी कराना कहीं ना कहीं राजनीति जाल बताया जा रहा है इसे। और दूसरी तरफ फिल्म अपने को लेकर भी खबरें हैं, अपने फिल्म जिसमें धर्मेंद्र और बॉबी देओल के साथ सनी देओल रहे, ऐसे में तीनों पिता और बेटों का साथ आना और अगर अपने के दूसरे सिक्वल की अगर तैयारियां चल ही रही है तो समझ सकते हैं आप फिल्मों से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है सनी देओल का। भाई अब ये कैसी तैयारी है, भाई कैसी राजनीति है, कैसी बातें हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ भटकाओ बयान दे रहे हैं, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। इन सब की बातें सामने आने के बाद
वोटर्स क्या फैसला लेते हैं। गुरदासपुर में होने वाले इलेक्शन के बाद ही, इसका परिणाम सामने आने के बाद ही ये मालूम चलेगा सनी देओल से कितना जुड़े हैं उनके चाहने वाले। फिलहाल आपसे यहीं पर लेते हैं इजाजत, लौटेंगे इसी तरह तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार, और जुड़े रहे हर खबर के साथ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्द से जल्द बेल आइकन दबाए ताकि आप तक सबसे पहले पहुंचे हर वो नई अपडेट। बाय बाय, टेक केयर।